प्यारे तुलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात दहम। जमात दहम में दुर्रे यतीम चल रहा है। इसमें आज का टॉपिक है सुलह हदीबिया। क्या है सुलह हदीबिया? सुलह हदीबिया किसे कहते हैं? यानी हदीबिया किसी एक छोटी सी कुएं का नाम है। क्या है हदीबिया? यानी एक छोटे से कुएं का नाम है। इसलिए क्या हुआ, सुलह कुएं के पास एक छोटा सा गांव है, उस गांव के करीब एक छोटा सा कुआं है, इसलिए इसको क्या नाम रखे, सुलह हदीबिया। आज हम इस हिस्से को पढ़ेंगे, यानी पहला हिस्सा है इसका सुलह हदीबिया का पार्ट वन। इसके बाद सलाह के सिलसिले शुरू हुए। सोहेल बिन उमर फसाहत और बलागत में मशहूर थे। आम कुरैश की तरह इनमें तेज़ मिजाजी भी ना थी। यानी क्या है यहाँ पे, इसके बाद सुलह के सिलसिले शुरू हुए। सोहेल बिन उमर फसाहत और बलागत में मशहूर थे। आम कुरैश की तरह इनमें तेज़ी मिजाजी ना थी। तबीयत के इंतहाई मुतीन और संजीदा थे। सिफारत के लिए ऐसे शख्स का इंतखाब मौजूद था। खतीब कुरैश सोहेल मक्का से हदीबिया पहुँचा। क्या करे, खतीब कुरैश सोहेल मक्का से हदीबिया पहुँचा। हदीबिया यानी एक छोटे से कुआं। मक्का से चंद कोस की दूरी पर एक कुएँ का नाम है। कहाँ पे है कुआं? मक्का से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है, उसका नाम है हदीबिया। वहाँ जो छोटी बस्ती आबाद है, इसे भी हदीबिया ही कहते हैं। इसी इंसिबत की बिना पर यह वाक़ा सुलह हदीबिया के नाम से मशहूरत पाया गया है। इसी तरह सोहेल हदीबिया पहुँच कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। क्या करे सुलह हदीबिया? सोहेल क्या करे, हदीबिया पहुँच कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कौन? सोहेल हदीबिया पहुँच कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इसी तरह सुलह की शर्तों पर बहुत देर तक बातचीत होती रही। सोहेल की कोशिश ये थी कि कुरैश की बात कहीं नीचे ना हो जाए। सोहेल की बात क्या थी? कोशिश कि कुरैश की बात नीचे ना होना। कोई शर्त में इन्हें दब कर मान ली तो अयान मक्का को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। कौन? अयान। मैं क्या बोल यहाँ पे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। लोगों ने मुझे भरोसे का आदमी समझकर ही तो भेजा है। रूसा कुरैश ने भी मुझे रुख्सत करते हुए कहा था कि देखना सोहेल, तुम हमारी आबा इज़्ज़त के मंशूर पर दस्तखत करने के लिए जा रहे हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने तुम्हें सौंप दी है। क्या बोल रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दस्तखत पर साइन कराने के लिए जो भेजे हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देख समझ के जाना। मुसलसिल गुफ्त व शन के बाद चंद शर्तें फरीकीन ने मान लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मुआहदा तहरीर करने का हुक्म दिया। क्या करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मुआहदा तहरीर करने का किसको दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म? अली को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने सुलह नामा कलम बंद करना शुरू किया। इबारात का आगाज़ इस जुमले से हुआ। क्या करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना शुरू करें। फर्स्ट क्या इबारात लिखे, हज़ा मा खज़ा अलै मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी वो माहदा है जिसे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया। को क्या है ये माहदा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लिए सो है। इस पर कुरैश का सफ़ीर सोहेल क्या बोल के बोला, ये क्या लिख दिया, हमारी और तुम्हारी सारी लड़ाई इस बात पर है कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर तस्लीम नहीं करते हैं। क्या बोल के बोले, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर नहीं मान रहे। अगर हम आपको खुदा का रसूल मान ले तो फिर हम में और आप में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई नज़ा ही बाकी ना रहे। क्या बोल के बोले, इस माहदे में बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर तस्लीम नहीं कर रहे। अगर हम आपको खुदा का रसूल मान ले तो फिर हम में और आप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में कोई नज़ा ही बाकी ना रहे। माहदे में रसूल का लफ्ज़ नहीं लिखा। इस माहदे में क्या नहीं लिखा गया कि रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिखा, तो फिर हम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लिखे इस लफ्ज़ में, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला क्या लिखे नाम मोहम्मद। इस माहदे में ये लफ्ज़ लिखे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला काफ़ी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के बेटे हैं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अच्छा तुम झुटलाते हो लेकिन खुदा की कसम मैं खुदा का रसूल हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि रसूल अल्लाह का लफ्ज़ इबारत से मिटा दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का ज़मीर कांप उठा। अर्ज़ की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म मेरे सर आँखों पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को क्या बोले,
कि वो जो माहदे में मेरा नाम लिखे ना वो नाम मिटा दो। तो हज़रत अली को क्या हुआ, मैं आपका लफ्ज़ मैं कभी भी मिटा नहीं सकता, मेरा आपका हुक्म मेरे असर आँखों पर, मगर रसूल सल्लल्लाहु का लफ्ज़ हरगिज़ ना मिटाऊँगा। क्या बोल रहे अली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ इबारत में लिखे सो हरगिज़ नहीं मिटाऊँगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह से कहा, अच्छा बताओ मेरा नाम कहाँ से है अली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से ये बात पूछे कि अच्छा बताओ कि अली मेरा नाम कहाँ से है। मुर्तज़ा ने अपनी उंगली इस लफ्ज़ पर रख दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मेरा नाम क्या है। तो अली मुर्तज़ा ने अपनी उंगली इस लफ्ज़ पर रख दी, क्या करे इस आप मुर्तज़ा अली मुर्तज़ा क्या करे अपनी उंगली इस लफ्ज़ पर रख दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ ख़ुद दस्त मुबारक से मिटा दिया। क्या करे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपने हाथ से मिटा दिए। इसके बाद सुलहनामा की शर्तें क़लम बंद हुए। इसके बाद सुलहनामा की चंद शर्तें यहाँ पर लिखी गई। नंबर एक, मुसलमान इस साल हज किए बग़ैर लौट जाएँ, आइंदा साल हज के मौके पर आए तो 3 दिन से ज़्यादा ना ठहरे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हज करने के लिए 1 साल मुकर्रर किया गया उसी साल में आना चाहिए और आइंदा साल हज के मौके पर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तीसरा, हथियार लेकर ना आए। हज करने के लिए क्या नहीं लाना साथ में, हथियार, बस ज़्यादा से ज़्यादा तलवार ला सकते हैं, इनको भी बेनियाम होने ना दिया जाए। हथियार तो नहीं लाना लेकिन तलवार को ला सकते हैं, वो भी कैसा, उसको सामने सांचा नियाम लगाकर लाना चाहिए। चौथा, जो मुसलमान मक्का में पहले से रहते हैं और ठहरे हुए इनमें से किसी एक को भी अपने हमरा मदीने ना ले जाएं। क्या बोले, जो भी मुसलमान मक्का में पहले से रहते हैं या जैसे मेहमान हो या कोई भी हो, इस इनमें से किसी एक को भी अपने हमरा यानी साथ में ना ले जाए, मगर इसके बरखिलाफ़ कोई मुसलमान मक्का आना चाहे तो इसको ना रोके। अगर कोई मक्का आना चाहे तो ना रोके। पांचवा, काफिरों या मुसलमानों का कोई आदमी अगर मदीना जाए तो इसे वापस कर दिया जाए। क्या बोले, काफिरों या मुसलमानों में से कोई भी अगर मदीना जाए तो इसमें से वापस कर दिया जाएगा और कोई मुसलमान मक्का पहुँच जाए तो इसे वापस ना किया जाए। अगर काफिर कोई भी शख्स मक्का चले गए तो उनको वापस भेज देना चाहिए। अभी माहदा लिखी जा रहा था कि तरफीन के दस्तखत ना हुए थे, इबारत अधूरी थी कि इतने में सोहेल के बेटे अबू जंदल गिरते हुए पाँव में बेड़ियाँ पहने हुए आ पहुँचे और ज़बान हाल से फरमाया फरियाद करने लगे। क्या हुआ इतने में, अभी माहदा मुकम्मल नहीं हुआ था लिखने का, कि सोहेल के बेटे अबू जंदल अपने पाँव में बेड़ियाँ लेके कुछ बात कहने के लिए पहुँचे। क्या बात थी वो, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम लाने के पादाश में कहा, मैं काफिरों ने मुझे क़ैद कर दी। क्या बोल रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अबू जंदल आके मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का सलाम लाने की पादाश में काफिरों ने मुझे क्या कर दिया, क़ैद कर दिया। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के लिए आ रहा था, मुझे काफिर लोग ने क़ैद कर दिया। दर्दनाक अजियत दी, दे देखे मेरी पीठ को देखिए, मुझे बहुत दर्दनाक क्या करें उनको अजियतें दी, दर्दनाक मुसीबतें दिए, देखे मेरी पीठ को देखे, यानी उनके पीठ के ऊपर कई निशान थे, कई पत्थरों से मारे, पाँव में बेड़ियाँ पहनाए, कोड़ों के निशानों का भी शुमार नहीं, और मेरा सीना जलते पत्थरों से दागा जाता है। जलते हुए पत्थर क्या करे, अबू जंदल के पीठ के ऊपर जलते हुए पत्थरों से मारा गया, कई दाग लगे हुए हैं जिस्म पर। किसके, अबू जंदल। अबू जंदल कौन है, सोहेल के बेटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कहा जाता है कि जब तक मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजारी का ऐलान ना करोगे तब तक इसी तरह सताते जाओगे। मैंने साफ कह दिया कि नादानों, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत और अतात पर मुझ जैसी हज़ार जाने क़ुरबान, तुम मेरे जिस्म के एक एक उज़ू को भी जुदा करोगे तब भी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी का दम भरता रहूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी मुश्किल से इन ज़ालिमों की क़ैद से निकल कर आया हूँ, पैरों की बेड़ियाँ भी नहीं काट सका, अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जाऊँगा नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ही रहूँगा। तो क्या बोल रहे अबू जंदल, मेरा जिस्म का एक एक उज़ू यानी एक एक टुकड़ा भी, एक एक हिस्सा, जैसे कान, नाक, आँख, ज़ुबान, मेरे जिस्म से एक एक भी हिस्सा अगर ले लिए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरा कलमा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम
कभी भी मेरे ज़ुबान से नहीं जाने दूँगा। बोल के कौन बोल रहे हैं? अबू जंदल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। अब मैं कभी भी कहाँ भी नहीं जाऊँगा, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में ही रहूँगा। अबू जंदल की आवाज़ारी सुनकर सहाबी कराम के दिल हिल गए। अबू जंदल के तमाम बातें सुनकर अबू जंदल की तमाम सहाबी बातें सुनकर क्या है, उनके दिल मचल गए। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मुतासिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करें, इस बातों को सुनकर बेहद मुतासिर होने लगे। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलहनामा की शरायत की तामील का सबसे पहला मौका है। तो अबू जंदल क्या करे, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलहनामा की शरायत की तामील का सबसे पहला मौका मिला किसको? अबू जंदल को। सिला की शर्त के मुताबिक शख्स अबू जंदल को मुझे वापस दे दो। सहेल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या बोले? सिला की शर्त है कि कौन से शख्स को देना? अबू जंदल को वापस दे देना। तो सोहेल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मगर अभी मुआहदा लिखा ही नहीं जा चुका, अभी मुआहदा मुकम्मल नहीं हो चुका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, तो फिर हमें सरे से सुलह ही मंजूर नहीं। सोहेल ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया, अच्छा इन अबू जंदल को यहीं रहने दो। क्या बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोहेल? अच्छा फिर अबू जंदल यहीं पर रहने दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार इसरार के साथ फरमाया, मगर सोहेल किसी उनवान पर राज़ी ना हुआ। क्या करा, सोहेल कौन से भी बातों पर राज़ी नहीं हुआ। कहता रहा कि अबू जंदल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं छोड़ा जा सकता। चुनाचे हज़रत अबू जंदल को इसी हालत में मक्का वापस जाना पड़ा। क्या हुआ, क्योंकि हज़रत अबू जंदल को इसी हालत में मक्का वापस जाना पड़ा। क्योंकि देखो यहाँ पे अबू जंदल मुस्लिम वासिर, अबू जंदल की आंखों में इल्तिजा गलतियाँ थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के लिए मुझे सफ़ाक और ज़ालिम दुश्मनों में वापस ना भेजिए। तो अबू जंदल क्या बोल रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे मेरे इन दुश्मनों के हाथों में मत भेजो। और सरकार के चश्म करम ज़ुबान हाल से बोल रही थी कि अबू जंदल सब्र करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे, अबू जंदल आप सब्र करो, ये मजलूमियत का दौर ज़्यादा दिन तक ना रहेगा। क्या बोल रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुल्म करने वालों का दौर ज़्यादा दिनों तक बाकी ना रहेगा। अल्लाह ताला तेरी मुहाफिजत फरमाएगा, सब्र करने वालों का बड़ा दर्जा है। क्या बोल रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करने वालों का दर्जा बहुत बड़ा है। सहाबी कराम को इस वाक़े का बड़ा मलाल हुआ, तमाम सहाबियों को इस वाक़े का मलाल हुआ। किसी की आंखों में आंसू तो आ गए। इनका बस चलता तो अबू जंदल को रोक लेते, जाने ना देते, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आगे किसी को चूँ चरा कर भी मचालना थी। क्या बोले यहाँ पे, अबू जंदल को जाना पड़ा। बोल के सहाबी तमाम रोने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म खुदा के हुक्म के बराबर था, सुलह के शरायत भी इनको गम था। ज़ाहरी तौर पर मुसलमानों की तरफ से दब कर सुलह की गई थी। हर शर्त कुफार मक्का ही के मुआफिक पड़ती थी, मगर अल्लाह ताला ने इसको सुलह फत्ता मुबीन कहा। वही आई, इतने में क्या हुआ, एक वही आई। यहाँ पे देखो, इन्ना फतहाना लका फतहन मुबीनन, हमने तुझको खुली हुई फतह दी। सुलह हदीबिया से पहले काफिर मुसलमान एक दूसरे से दूर दूर रहते थे। सुलह हदीबिया में क्या करते थे, काफिर मुसलमानों से एक दूसरे से दूर दूर रहते थे। मक्का के लोग मक्का में और मदीना के रहने वाले मदीना में रहते थे। लड़ाई और नज़ानों ने एक दूसरे के दरमियान बेगानगी और अजनियत की दीवार खड़ी कर दी। दोनों तरफ से जान जाने का ख़तरा भी लगा रहता था। क्या रहता था, दोनों तरफ से जान जाने का ख़तरा लगा रहता था। सुलह हदीबिया के बाद मुसलमान और कुफार एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। क्या करें, सुलह हदीबिया के बाद मुसलमान और कुफार एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और दोनों शहरों में आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। सहाबी कराम की ज़िंदगी, सीरत व किरदार, आदत व अतवार, तर्ज माशियत, अखलाक, सच्चाई, नेकी और पाकबाजी को देख देख कर काफिरों पर बुरा गहरा असर हुआ। किसके ऊपर? काफिरों के ऊपर। इसी तरह ये असर दिलों को इस्लाम की तरफ खींच कर गया। सुलह के ज़माने में अच्छी खासी तादाद दायरा कुफ्र से निकल कर आगोश इस्लाम में आ गई। खालिद बिन वलीद, जिसकी तलवार ने शाम को फतह किया, और उमर बिन आस, जिनको तारीफ आता मिस्र के नाम से पुकारती थी, इसी ज़माने में इस्लाम की शहादत से मशरफ हुए। इसी ज़माने से क्या उनका इस्लाम की शहादत शुरू हुई। ए सुलह हदीबिया की सुलह, जिसकी शर्तों को देखकर उमर जैसा मुस्तकिल मिजाज और बहादुर इंसान
भी अपने गम का इजहार किए बगैर ना रह सका। हकीकत में फतह मुबीन साबित हुई। इस्लाम का चर्चा मक्का में पहले से ज़्यादा होने लगा। जो लोग अभी तक इस्लाम ना लाए थे वो भी दबी ज़ुबान से इकरार करते हैं कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्ला के साथी क्या फरिश्ते हैं। मक्का क्या बोल रहे यहाँ पे पूरे लोग वहाँ पे इस्लाम जो जब इस्लाम नहीं लाए थे इन तमाम बातों को सुनकर मक्का में इस्लाम का चर्चा मक्का में ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लगा और तमाम लोग अदबी दबी ज़ुबान से इकरार करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्दुल्ला के साथी क्या है, फरिश्ते हैं या उनके बेटे हैं। तमाम चर्चों को सुनकर फैसले लेकर क्या कर इस्लाम को कबूल कर लिए। नेक्स्ट ये कौन सा सुलह हदबिया का टॉपिक ख़त्म हुआ है। इसी तरह कल इंशाल्लाह फतह मक्का शुरू करेंगे।